हाय फ्रेंड्स कैसे हैं इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सब का स्वागत है हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग वर्ब का इंट्रोडक्शन देखे थे वर्ब का वर्ब क्या है उसके काइंड्स कितने हैं है ना आप उसमें वर्ब्स के काइंड के बारे में भी देखे थे वर्ब्स के थ्री काइंड्स मेन या प्रिंसिपल वर्ब ऑक्जिलियरी या हेल्पिंग वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब तो हम लोग जो है मेन या प्रिंसिपल वर्ब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं समझते हैं कि वो क्या है उसके काइंड्स कितने हैं अब चलिए हम लोग ऑक्जिलियरी वर्ब देखते हैं ऑगजीलियरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है आप ऑगजिलियरी वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए एक ही बात होता है डेफिनेशन देख सकते हैं द वर्ब वैसा वर्ब डेट हेल्प्स जो हेल्प करता है मेन वर्ब को इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस टेंस के फॉर्मेशन में वॉइस वॉइस के फॉर्मेशन में मूड मूड ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका रिलेशन सेंटेंसेस से होता है उस मूड के फॉर्मेशन में एंड अदर एक्सप्रेशंस और अन्य एक्सप्रेशंस में अन्य अभिव्यक्तियों में इज कॉल्ड कहलाता है Auxiliary oblique helping verb. Auxiliary helping verb, वो है जो main भर्ब को हर हमेशा हेल्प करता है टेंस में है ना? मूड में, में और अदर एक्सप्रेशन में हिंदी भी देख सकते हैं जो बर्ब किसी main भर्ब को टेंस वॉइस मूड एवं अन्य अभिव्यक्तियों के निर्माण में मदद करे उसे ऑग्जिलियरी ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उसे ऑगजिलियरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ये ऑगजिलियरी या हेल्पिंग वर्ब टेंस के में यूज होता है वॉइस के फॉर्मेशन में यूज होता है मूड के फॉर्मेशन में यूज होता है है ना और अदर एक्सप्रेशन में यूज होता है वो सब हम लोग देखेंगे है ना चलिए सबसे पहले समझते हैं औग्जीलियरी वर्ब्स होता क्या है अब देखिए यहां तो दे आर प्लेंग क्रिकेट आप मेन भर्व तो पढ़ ही चुके हैं यहाँ देखिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग तो मेन भर्व है जो प्ले से बना है और यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है प्रेजेंट इम्परफेक्ट बनने में कौन मदद किया इसको है ना आर मदद किया है तो इस आर को हम लोग क्या कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेंटेंस है दूसरा देखिए शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग यह प्रेजेंट एंड टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों यदि इसमें से डज का दर, इसमें डज का प्रयोग नहीं होगा यह सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा यह टेंस को नेगेटिव बनाने में प्रेजेंट एंड टेंस को नेगेटिव बनाने में डज का प्रयोग हुआ है इसलिए डज को हम लोग ऑक्जीलियरी या हेल्पिंग

है ना देख के लिखा है प्राइमरी ऑक्जिलियरी बर्ब ये क्या है जानिए है ना इसके तहत तीन बर्ब्स आता है देख के लिखा बर्ब्स टू बी ये टू बी को टू डू टू डू को एंड टू हैव और टू हैव को आर कॉल्ड कहते हैं प्राइमरी ऑक्जिलियरी बर्ब्स ये तीन बर्ब्स है टू बी टू डू एंड टू हैव को क्या कहते हैं प्राइमरी ऑगजिलियरी बर्ब्स कहते हैं यहाँ देखे लिखा टू बी टू डू एंड टू हैव को प्राइमरी ओग्जिलियरी बर्ब्स कहा जाता है टू बी भी प्राइमरी ओगिरी बर्ब्स है टू डू भी प्राइमरी ओगजिलियरी बर्ब्स है और टू हैव भी प्राइमरी ओगजिलियरी बर्ब्स है यदि आप टू बी कहते हैं दोस्तों तो आपको टू बी से क्या क्या समझना चाहिए देखिए टू बी का फॉर्म होता है इज आर एम वाज वेयर बी बीन बीन बी, बी, ये टू बी का मतलब ये सभी होता है जब आप टू डू कहते हैं तो डू डज और डीड होता है यदि आप टू हैव कहते हैं तो हैज हैव और हेड होता है ये प्राइमरी ओगिलियरी वर्ब्स है दोस्तों चलिए हम लोग अब प्राइमरी ओगिलियरी वर्ब्स को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं अब यहाँ पर देखिए है ना प्राइमरी ओगिलियरी वर्ब्स जो है यूसेस ऑफ उग प्राइमरी ओगिलियरी वर्ब्स प्राइमरी ओगिलियरी वर्ब्स के यूज क्या क्या है तो प्राइमरी ओगिलियरी वर्ब्स तो तीन है टू बी है टू डू है और टू हैव है तो सबसे पहले यू सेस ऑफ टू बी हम लोग टू बी को देखें अब ये समझिए कि टू बी आया कहाँ से यहाँ देखिए लिखा है टू बिकम है ना टू बिकम बिकम का स्पेलिंग करेंगे तो सी शुरू में बी ई बी है इसी बिकम का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया बी हो गया और बी के ये सेवन फॉर्म्स से एक इज है है ना एक आर है एक ईज है, है एक एम है एक आर है एक वाज है एक वेयर है एक बीन है और एक सॉरी एक बींग है और एक बीन है ये टू बी के क्या है सभी फॉर्म्स है ना इसी से टू बी बना हुआ है है ना यही टू बी का रूप है टू बी आप देखिए टू बी टू बिकम से निकला हुआ है टू बिकम का शॉर्ट फॉर्म टू बी होता है टू बी के साथ रूपीज एम आर वाज वेयर बीइंग और बीन है तो दोस्तों ये ई जार एम जो देख रहे हैं आप इज आ रैम ये प्रजेंट में यूज होता है और ये वाज और वेयर जो देख रहे हैं पास्ट में यूज होता है और बींग और बीन दोनों पेसिव वॉयस में यूज होता है और बीन अकेले जो है परफेक्ट कंटिनुअस टेंस में यूज होता है चाहे वो प्रजेंट परफेक्ट कंटिनुअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिनूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिनूस हो और बी जो है फ्यूचर में यूज होता है तो इस तरह या टू बी देखें टू बी कहाँ से आया ये देखें यदि आपसे पूछा जाए कि टू बी कहाँ से आया तब आप इजीली कह सकते हैं टू बी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू बिकम टू बी टू बिकम का शॉर्ट फॉर्म है इट हैज सेवन फॉर्म्स है ना इच एम आर वाज वेयर बींग एंड बीन दीज आर फॉर्म्स ऑफ टू बी है ना हम अब हम लोग आगे वाले वीडियो में है ना ये टू बी के प्रयोग कितने हैं ये टू बी के कैसे प्रयोग करते हम लोग इसको देखेंगे टू बी के सभी रूप इसका यूज हम अच्छी तरह देखेंगे है ना तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिए है ना ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो